बड़ी खबर इस वक्त की है कि आज रात 12 बजे से 15 जिले सील हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा दिल्ली को भी सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या अन्य जो भी राज्य, उनके कौन कौन से जिले यहाँ पर सील किए गए हैं, आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। सील होने के बाद आपको क्या नहीं करना है, कब से कब तक इसको सील किया गया है, इसकी भी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने आज एक फिर बड़ी मीटिंग की है विपक्षी दलों के साथ, और उस पर निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन को अब बढ़ाने की यहाँ पर सिफारिश कई राज्य यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब पीएम मोदी जो है 15 अप्रैल को जो लॉकडाउन खत्म होना था उसकी अब अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस पर जो है 11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा लॉकडाउन को लेकर भी है। इसके अलावा दिल्ली में 20 हॉट स्पॉट सील किए गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को सील कर दिया गया है। उन 15 जिलों के वो कौन कौन से जिले आपके सामने है, शामली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ पर बुलंदशहर, बरेली, लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, सीतापुर, बस्ती, महाराजगंज, वाराणसी, ये वो 15 जिले हैं जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इनके कुछ यहाँ पर सेक्टर यहाँ पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिलों के, उनको यहाँ पर पूरी तरह से सील किया गया है। सील होने के बाद क्या होगा, क्या कुछ आप नहीं कर सकते, देखिए पहला अगर आपको आंकड़ा दिखाएं, जहां हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है वहां पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, मतलब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। के अलावा कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा इस सील के दौरान। अगर बात करें तो किसी भी चीज की दुकान नहीं खुलेंगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की है, और पेट्रोल पंप, एटीएम, बैंक सब कुछ बंद रहेगा। के अलावा जरूरी सामान आप प्रशासन घर पर ही पहुंचाएगा इस सील के दौरान, इस पाबंदी के दौरान आपको जो भी जरूरत है वो आपको प्रशासन आपके घर तक पहुंचाएगा, इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी। इसके अलावा अब यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट मीटिंग में साफ तौर पर विधायक और मंत्रियों की जो है अब सैलरी में 30% कटौती यूपी सरकार करने वाली है। तो ये बड़ी खबर है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप जो है 30 अप्रैल तक रेल सेवाओं के लिए जो है फिलहाल यहाँ पर बुकिंग रद्द कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रालय साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर आंकड़े हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। इस पर भी चर्चा जारी हो चुकी है, विचार यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि लॉकडाउन सरकार यहाँ पर विचार करे कि आखिर किस तरह से इसको और आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर है कि लॉकडाउन की अवधि 49 दिन बढ़ सकती है, ये खबर फिलहाल यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसकी खबर यहाँ पर आने वाली है। तो ये खबर जो है उत्तर प्रदेश, अगर बात की तो दिल्ली के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली के लिए भी जो है बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया सरकार द्वारा, और मास्क ना पहनने पर आप सीधे ही जेल यहाँ पर करा दी जाएगी। तो बहुत जल्द और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।